दोस्तों आज किस वीडियो में जानेंगे रेविप्राजोल प्लस डोमप्रिडोन कैप्सूल के बारे में। रेविप्राजोल प्लस डोमप्रिडोन का जो डबल कॉम्बिनेशन का जो कैप्सूल है, इसका अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट में किस ब्रांड नेम से आपको मिल जाएंगे, कितने प्राइस में आपको मिल जाएंगे, इसका यूज क्या क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है, पूरी डिटेल रेविप्राजोल प्लस डोमप्रिडोन कैप्सूल के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए आप वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी जानकारी पूरी जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जान के लिए घातक होता है। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए जानते हैं रेविप्राजोल प्लस डोमप्रिडोन कैप्सूल के बारे में। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एरिया में कौन कौन से मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है जिसके नाम से आपको ये दवा मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपके एरिया में रेविमैक DSR, रिजोल DSR, रेविकाइंड DSR, रिबोजिन DSR, सायरा डी, इस तरीके के आपको मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी और भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं। डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो दवा का मूल नेम रहेगा वो रेविप्राजोल प्लस डोमप्रिडोन कैप्सूल ही रहेगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रेंथ की, किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये तीन स्ट्रेंथ में अवेलेबल हैं। पहला रेविप्राजोल 20 mg और डोमप्रिडोन 20 mg, और जिसमें DSR रहेगा उसमें आपको डोमप्रिडोन 30 mg मिलेंगे, जो कि सस्टेंट रिलीज होता है। जैसा कि सायरा डी है जिसमें है जो डोमप्रिडोन 20 mg है और रेविप्राजोल 20 mg है, और एक रहेगा रेविप्राजोल 40 mg प्लस डोमप्रिडोन 30 mg, और जिसमें DSR रहेगा, जैसा कि रेविमैक DSR है तो इसमें है जो रेविप्राजोल 20 mg है और डोमप्रिडोन है जो 30 mg, जो कि सस्टेंट रिलीज है, जो कि धीरे धीरे रिलीज होता रहता है। अब चलिए हम इसके प्राइजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्रांड नेम और एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक अप्रॉक्स प्राइस आपको बता देता हूँ कि जो रेविप्राजोल प्लस डोमप्रिडोन का जो कैप्सूल है वो आपको 10 रुपये प्रति कैप्सूल से लेकर के आपको 20 रुपये प्रति कैप्सूल तक के आपको सभी ब्रांड के सभी स्ट्रेंथ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मिनिमम आपको 10 रुपया से लेकर आपको मैक्सिमम 20 रुपीज़ तक के आपको सभी ब्रांड के नेम से आपको मिल जाएंगे। तो ये रहा इसके प्राइजेस और अवेलेबल स्ट्रेंथ और इसका ब्रांड नेम। अब बात कर लेते हैं रेविप्राजोल प्लस डोमप्रिडोन कैप्सूल का यूज कहाँ कहाँ होता है, किन किन बीमारियों में इस कैप्सूल का यूज लेते हैं। दोस्तों इसका यूज है जो गैस्ट्रो इसोफेजल एक बीमारी है, जो पेट संबंधी बीमारी है जिसमें पेशेंट को पेट में गैस सा बनना रहता है, वहाँ पर आप रेविप्राजोल प्लस डोमप्रिडोन का मल्टीपल कॉम्बिनेशन का जो कैप्सूल है वहाँ पर आप यूज ले सकते हैं। साथ ही इसका यूज पेप्टिक अल्सर में, अस्टोमैच पेन में, अस्टोमैच इरिटेशन, जैसे कि पेट में कोई इरिटेशन सा महसूस हो रहा हो, जैसा कि पेट मथ रहा हो या फिर उल्टी उल्टी सा लग रहा हो, जिससे जो पेट में इरिटेशन सा हो रहा हो, तो वहाँ पर आप रेविप्राजोल प्लस डोमप्रिडोन का कैप्सूल आप दे सकते हैं। साथ ही एसिडिटी रिफ्लेक्स करता है, यानी कि अगर आपके पेट में एसिडिटी बन रहा है तो वहाँ पर भी आप इस कैप्सूल का यूज ले सकते हैं। तो ये रहा इसके कुछ मोस्ट कॉमन यूजेस, और इन सभी बीमारियों के अलावा भी डॉक्टर पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है, गैस से संबंधित, वहाँ पर रेविप्राजोल प्लस डोमप्रिडोन का कैप्सूल यूज लेते हैं, और जो मोस्ट पॉपुलर यूज था वो हमने आपको बताया। अब चलिए हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जिसमें है जो आपको ड्राइनेस इन माउथ, यानी कि आपको मुँह में सूखापन सा लग सकना, वीकनेस लग सकना, हेडेच रहना, मतलब कि सिर में दर्द रहना, अस्टोमैच पेन होना, यानी कि पेट में आपको दर्द सा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डिजीनेस रह सकता है, ये रहे इसके कुछ मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट। और इसके अलावा भी आपको और भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर इस तरीके की कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आपको ये कैप्सूल लेना बंद करें, और साथ ही आप अपने डॉक्टर से इसका फर्दर ट्रीटमेंट आप लें।
अब चलिए हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड के बारे में बात कर लेते हैं। इस कैप्सूल को किस पेशेंट में आप दे सकते हैं, किस पेशेंट में आप ये कैप्सूल नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे पेशेंट जो पिछले कभी इस कैप्सूल से, इस कम्बिनेशन के कैप्सूल से एलर्जिक रहा हो, तो उस पेशेंट को आप नहीं दे सकते हैं। साथ ही लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, प्रेगनेंसी में आप ये कैप्सूल का यूज नहीं ले सकते हैं। इसके साथ साथ कोई पेशेंट ड्राइव कर रहा हो, एल्कोहल ले रहा हो, अगर आप उसे ये कैप्सूल दे रहे हैं तो ड्राइव लेना करना और एल्कोहल लेना बंद कर दें, या फिर ड्राइव और एल्कोहल ले रहा है तो उन्हें आप ये कैप्सूल न दें। अब चलिए हम इसके डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे तो डोज है जो डॉक्टर अपने पेशेंट के कंडीशन और उसके अकॉर्डिंग है जो डोज तय करते हैं, फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ कि इसका डोज क्या है। तो इसका डोज है जो एक कैप्सूल सुबह खाली पेट में आप रोज दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना रेविप्राजोल प्लस डोमप्रिडोन कैप्सूल के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरीके का लेटेस्ट वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारी आपको मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबा दें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।